पंजाबी निकाल कर रहे हैं? नहीं, पंजाबी नहीं, उर्दू ही सही है क्योंकि हमारी कौमी लैंग्वेज जो उर्दू है ना, तो इसलिए बोली तो पंजाबी है ना। कोई भी नहीं है। नहीं तो अपने घर पाकिस्तान में ना। नहीं नहीं, अपने घर पंजाबी नहीं बोली जाती? नहीं, पंजाबी तो बोलती है। कैसा लग रहा है? हाँ जी, फिर की हाल चाल मेरे वालों तुम्हें सारे जी प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं सारे जने बहुत ही कैंट होवोंगे अज्ज जिहड़ी वीडियो गुरपुरब सैलीब्रेशन एट गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाणा साहब पाकिस्तान विखे। कल गुरपुरब सीगा, सारे ने बड़ी धूमधाम नाल मनाया। सब तो पहला पाकिस्तान वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े उत्ते इन्ने बंदोबस्त करते हैं, इंतजाम करते हैं, तो अपने इधरों भी इंडिया चो भी लोग जाते हैं, तो उधरले पाकिस्तान वाले भी जाते हैं। करतारपुर साहब भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया, तो आप सारिया वीडियोज़ देखा वन बाय वन करके। तो अज्ज जी वीडियो देखते जन्म स्थान के लोगों की जी की रिएक्शन से किदा लोगों ने सैलीब्रेट किया, जो देखते हैं वीडियो में पूरी देखो बिल्कुल एंड तक। चैनल अपना कर लो सब्सक्राइब पंजाबी रील टीवी फॉर मोर वीडियोस। अच्छे लगते हैं। 20 साल से लगातार, अभी पहला दिन है आज हम आए हैं साहिवाल से। 15 डेज से हम लोग पूरा पाकिस्तान टूर किया है, आनंद मिलता है हर। मैं मियाँ आसिफ अली, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जन्म स्थान ननकाणा साहब से। बाबा जी गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन दी तकरीबात शुरू हो चुकी वा, तो आप देख सकते हो बड़ा खूबसूरती दे नाल गुरुद्वारा सजाया गया वा, हर पासे लाइटिंग, वाह क्या खूबसूरत मंजर है, जगमग जगमग हो रहा वा। अच्छा, जनता वा आई जा रही है, आवाम आई जा रही है, आ पिछे पूरा जेड़ा सामण ला बाबा जी दे सामने जेड़ा है बनया होया वा, यानी ये पूरा एक पार्क आ, ग्राउंड आ, और फुहारा भी है, ये सारा भरया होया जनता दे नाल। अच्छा, इन्हां दे नाल हुण गलबात भी करदे आ, इत्थे लोकां नूं पुछदे आ जिहड़े इत्थे आए बैठे आ कि कित्थों कित्थों आए आ ते किहड़े किहड़े एरिए तों आए आ इत्थे लोक, की हाल चाल आ जी? मुस्लिम्स विच बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आपां लास्ट एक वीडियो देखी सी, उहदे विच उन्होंने दस्सिया कि मुस्लिम्स नूं इस टाइम दे विच थोड़ा आउण विच दिक्कत हुंदी आ उत्ते गुरुद्वारा साहिब विच, क्योंकि मतलब कि जगह करके उह ध्यान च रख के कि जिहड़े इंडिया तों इन्ने शरधालू आ रहे आ उहनां नूं प्रोपर मौका मिले, क्योंकि मुस्लिम्स तां उत्थे ही रहिंदे आ ते उह बाद चों वी जा सकदे आ कदे वी, इस करके मतलब कि मुस्लिम्स नूं थोड़ा घट गिनती विच लिआंदा जांदा आ इत्थे, ते इस टाइम दे जदों त्यौहार हुंदा, जदों फैसटिवल्स हुंदे आ, ते सिक्खां नूं ज़्यादा मौका दित्ता जांदा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है मुझे, तो फर्स्ट टाइम है। ये दोस्त वगैरह हर साल आते हैं, तकरीबन 20 साल से लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं सर। जी जी, आयो तो भी गाँव आया करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी हुई है इस वक्त हम लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे बिल्कुल आए हैं, और आज हम लोगों को दूसरा दिन है, हम लोग कल से आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुरु नानक साहिब जी की जो जन्म स्थान है, यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है सर। थैंक यू। आ सुनिया जी, तुसी 20 साल तो ग्रुप आ रहा वा, तो इन्हां दे नालों हुण आपां अगे भी चलते हैं, तो अगे देखते हैं। हाँ जी, की हाल चाल है जी? ठीक हो? शुक्र सर। कित्थों आए हो? नहीं ते ननकाणे दे रहण वाले आ। अच्छा, ननकाणे दे जी, लोकल आ। बस सर, जबरदस्त चल रही है, गुरु महाराज जी रहम है कि इस तरह तरीके चल रही है, तो सारे खुशी मना रहे हैं, बड़े खुश है। आओ जी, हम अगे भी चलते हैं थोड़ा जहा। हाँ जी, की हाल है जी? बढ़िया, तुम सुनाओ? मैं लाहौरों आया जनाब। लाहौरों आए? जी जी, पहले ही दस्सा उन्होंने, मैं लाहौरों आया भाई। जी जी, है बिल्कुल। मैं की है कितने ना, की नाम तुम्हारा? धर्म सिंह। हकीम धर्म सिंह, सरदार धर्म सिंह। हाँ जी। अच्छा, तो ये डिग्री कितनों ली है? इस्लामाबाद हो। अच्छा, हूँ डिग्री की गल ना करो, तेरी मेहरबानी, दूसरा माहौल है। तुहाडा नाम जेड़ा ना खालसा दवाखाना, बड़ा उत्थे मशहूर है लाहौर। बिल्कुल, इच्छे मेरा सैटअप है माशाल्लाह, ते बड़ा लंघदे होए देखे, कोई 15-16 साल हो गए उत्थे बैठे। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा? बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, ते गवर्नमेंट दी भी ते साडे महकमे दी भी बड़ी एफर्ट है माशाल्लाह। वादा घाटा तो जाहिर गल है शादी के घर ही हो रहा माड़ा मोटा, लेकिन कोई मेरे ख्याल कमी नहीं छड़ी थी इन्होंने, जिस तरीके नाल उन्होंने किया है, तो मैं बड़ा शुक्र गुजार हाँ पाकिस्तान के, पाकिस्तान के तमाम इदारों का। थैंक यू सो मच। आओ जी, हम माड़ा जहा अगे चलते हैं। अभी मित्रों पूरी वीडियो देखियो, फुहारा वो लगे जिसकी गल की थी इन्होंने, वधिया लगे, फाउंडेन वधिया बनाया। अच्छा, सजावट की कोई कमी नहीं की यार, बहुत वधिया लगे। फैमिली बैठी इन्हां नाल गलबात करते हैं, कितों आए हैं? हाँ जी, की नाम? मुस्कान। कितों आए हो? हैदराबाद। हैदराबाद आए हो? बड़ी दूरों आए हो जी? इंडिया हैदराबाद पहली बार आए हो कि पहले भी कभी आए हो? नहीं, दूसरी बार आए। कितने दिन हो गए आए हैं? अभी पहला दिन है आज।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਸ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਬਸ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਾਰੀ ਆਪ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ सेवा करूंगी अभी टाइम है अभी बैठी हूँ तीन दिन यहीं पे हाँ बेटा सेवा करोगे इतने ना लोग बैठे हर पासे तो इन्होंने नाल भी गल करते हैं ये भी इतने बच्चियाँ बैठिया हाँ जी बेटा कितों आए हो ये मेरे को हाँ जी हम आए हैं साहिवाल से साहिवाल शहर से आई हूँ यहाँ से तकरीबन 3-3.5 घंटे का फासला है यहाँ से हाँ जी नहीं पंजाबी नहीं उर्दू ही सही है क्योंकि हमारी कौमी लैंग्वेज जो उर्दू है ना तो इसी वजह पंजाबी है ना कोई भी नहीं है नहीं तो अपने पाकिस्तान में ना नहीं नहीं अपने घर पंजाबी नहीं बोली जाती नहीं पंजाबी तो बोलती है बहुत अच्छा मौका है आप सबको भी चाहिए कि आप लोग भी हर साल आया करें बहुत खुशी का मौका है और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਢੀਠ ਆ ਭਰਾਵਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਸਿਰਾ ਆਇਆ ਵਿਆ ਅਭੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਨਾ ਹੈ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚੇਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਸੇ ਆਈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬੱਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹੂੰ यहाँ पे गुरु गुरु का जन्मदिन है दर्शन करने आई हूँ हम बदीन से आए हैं नानकाना साहब गुरु का दर्शन करने और इधर बहुत हमको इधर मज़ा आया हमको दर्शन करने गुरु का बहुत इंजॉय कर रहे हैं बहुत इधर मज़ा आए हाँ बहुत मज़ा आए यहाँ पर गुरु के जन्म स्थान पर आए हैं और मज़ा ले रहे हैं और बहुत सुकून है यहाँ पर कर ले कर ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਸੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹਮਕੋ ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਪਏ ਫਿਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਡਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਆ ਅਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ 15 ਡੇਜ਼ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰ ਕੀਆ ਹੈ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਗਏ ਕੋਇਟਾ ਗਏ ਮਰੀ ਗਏ ਨਾਰਾਨ ਕਾਗਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅੱਜ ਹਮ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ 35 ਈਅਰਸ ਹਮ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਛਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਫੈਮਲੀ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ 13 ਈਅਰਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਤੀ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਨੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਬ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਥਾ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਸਟਾਪ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਕਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾ ਹੈ
तो कल हम वहाँ पे जाएंगे करतारपुर। मैं कभी नहीं गई तो मैं कल करतारपुर जाऊँगी जी। अच्छा, पहले 35 साल तो आ रहे हो, पहले तो होने वाले बहुत फर्क है, बहुत है, अब बहुत ज़्यादा क्लीन है, सफाई है और अच्छा है। लेकिन लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, लोग बहुत कम थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमको, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अभी तो आज पहला डे, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जी। अच्छा, तुसी दसो जी तुहाडा की नाम? रवि कुमार। ये मुछा तुहाडियां जिहड़ियां वा असली है? असली है बिल्कुल। किदां बड़ियां जबरदस्त सेट कीतियां होणियां ये, मेहनत की है इसमें। कितनी मेहनत हुई है? तो 3 महीने मेहनत हुई है। अच्छा, फिर जाके अच्छा बेटा आप नेहा। अच्छा, ये मेरे ख्याल एक हिंदू फैमिली है थे पाकिस्तान की, तकरीबन 19 इयर्स जी। अच्छा लगता है बहुत। भाजी माइक अग्गे करना भूल गए, घूमते और चले जाते हैं, घूमते चले जाते हैं, दर्शन नहीं करते बाबा? हां जी करते हैं, सेवा कभी कभी, सेवा बहुत ज्यादा, खाने की सेवा करते हैं नहीं। आप बोले भाभी जी, हमें भाई बहुत मजा आता है गुरुद्वारे में, आनंद मिलता है, हर जगह घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ सुकून ही बहुत है, बहुत आनंद आता है, मजा आता है फैमिली के साथ। और नहीं जाता है, टाइम पे सुबह उठते हैं रेगुलर, यहाँ पे जितने दिन होती हूँ तो सुबह जाती हूँ, फिर शाम को रात अरदास होती है, वो टाइम भी कवर करते हैं, और शाम के टाइम भी फिर यहाँ पे सब मतलब तो। अच्छा, साल में ये वाहिद मौका होता है जब आप बाहर आते हैं पूरी फैमिली के साथ? पूरा जी बिल्कुल, यही होता है कि यहाँ नवंबर में यहीं पे आते हैं और यहीं पे बच्चों के साथ फिर घूमते फिरते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टूर आज काफ़ी टाइम के बाद इधर किया है, अभी इस साल वैसे नहीं किया कभी भी, कहाँ घूमते आए, एक कोना छोड़ दिया मैंने, अब वो नेक्स्ट ईयर रखा है, 3 कोने मैंने घूम लिए हैं पूरे, एक कोना हुंजा और गिलगित वो हमारा रह गया है क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए ठीक है। हाँ दसिया जी, तुसी ए फैमिली इन्होंने नाल दस रहा है कि असी पूरा पाकिस्तान भी हूँ घूम के आए, इतने तो 35 साल तो आ ही रहा है, तो इस बार इन्होंने कहा चलो। अच्छा, एक बड़ी गल कि इतने खासकर जोड़े साढ़े सिंधी हिंदू बरादरी है उन्होंने वो साल बाद उन्होंने आना हों तो पूरी पूरी फैमिलीज आदि वा, तो नाल फिर एक उन्होंने की कह लो कि एक सफ़र भी हो जाता वा, एक टूर भी हो जाता वा, घूम फिर भी लेंदे आ, तो बाबा जी दे आके दर्शन भी कर जाते हैं, तो इतने आ के जो फिर टाइम गुजारते हैं वो उन्होंने यादगार हूँ। 35 साल तो मुसलसल आना बड़ी वड्डी गल है, तो इदा के होर लोग भी है जो मुसलसल आ रहे हैं। सही गल है, तो इदा के ये इदा के लोग भी है जो इधरों इंडिया वालों हमेशा लगातार जाते पे है, तो बहुत खुशी की गल है यार। मैं अपनी पिछलिया वीडियोज़ के भी कहना हूँ कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखा दे ही गुरु नहीं है, वह मुसलमानों के भी पीर ने, हिंदुओं के भी गुरु ने, मतलब जिहड़ा मर्जी धर्म होवे गुरु नानक देव जी की सारे रिस्पैक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान बड़ियां वधिया वधिया गल्लां ते इदां दियां टैक्नीक्स दसियां, जो इदां दियां टीचिंग्स दित्तियां कि वो मेरे ख्याल हर एक बंदे ने एक्सैप्ट कीती हैं, किसी बंदे ने भी वो ते किंतु परंतु नहीं किया। तो बाकी जिहड़ी गल आ ननकाणा साहिब पाकिस्तान की, बहुत ही सोहना दरबार सजाया गया, बाहरली बिल्डिंग ते जिहड़ियां लाइटां लाइयां बहुत ही खूबसूरत लाइयां, काम काफ़ी डिफिकल्ट हुंदा है पर उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग नाल कीता, फ्लावर्स वगैरह उहदे नाल भी पूरा उन्होंने सजाया। हालांकि हजे अंदरों दरबार साहब दे आपां दर्शन नहीं कर पाए इस वीडियो दे विच, पर तुसीं कोई वीडियो रिकमेंड करो जिहदे विच आपां अंदरों भी जिहड़े दरबार साहब दे दर्शन कर सकीए। बाहरों फिर इन्होंने भी फुहारा भी लाया, ठीक है, फाउंटेन्स भी लगाए आ, ते लोकां दे लई बैठन दे लई वधिया प्रॉपर जगह बनाई आ। बाकी जिदा ये दस रहे हैं कि 35 सालों तो लगातार आ रहे हैं, तो मतलब कि हर वारी उन्होंने अगे नालों कहते काफ़ी फर्क आ, हुण बड़ा नीट एंड क्लीन है, है ना। जिदा जिदा टाइम लंघता जा रहा पाकिस्तान की गौरमेंट उतों के जो पॉलिटिक्स है ज उतों के जो मतलब कि करता धरता जेडे वो वधिया उन्होंने मैनेज किया हो, ननकाणा साहब की जो कमेटी आ बनी होनी आ आई थिंक, तो उन्होंने वधिया जो मैनेजमेंट आ वधिया सब कुछ मैनेज करते पे आ, तो वधिया लगी यार मैनू वीडियो, जी करता फिर अपना भी कि यार जाइए देखिए, क्योंकि इधरों जोड़े लोग जाते लिमिटड जाते हैं, हर किसी को इधरों अलाउ नहीं किया जाता, फिर वो फिर उन्ने की लोग जाते हैं जहाँ तो जोड़े लगातार जाते हैं हर साल, तो फिर तुम्हें पता सिफारशी चीज़ा होंगे मतलब कि उन्ने लोग जाते हैं, पर आई थिंक ट्राई करना चाहिए, मैं नैक्सट ईयर जरूर ट्राई करूँगा कि ननकाणा साहब बाबा जी के जन्मदिन वाले दिन असं आईए जरूर, तो देखते हैं
की बनूंगा। बाकी वीडियो वधिया सी, तो एक हुण कह रहे कि जिहड़े इंडिया के सिख उधर गए आ वह वीडियो नहीं आप देखे, तो मेरा दिल है कि मैं वह भी वीडियो देखा तुहाडे सारयां दे नाल। रिकमेंड करो जेकर तुहानू कोई वीडियो मिलती है कि जिदे विच इंडियन सिख जो दरबार साहब पहुँचते हैं तो उन्होंने आप रिएक्शनस देखांगे। पंजाबी प्रचार टीवी बहुत वधिया काम करते हैं, जाके इन्हों का चैनल जरूर चैक करो, तो बहुत मज़ा आया देख के वीडियो नू, दिल खुश हो गया। एक तुहानू सारयां नू इह भी पता, मैं कल भी वीडियो पाई सी कि जो तीन काले कानून सी इंडिया दे विच ओह सारे वापस लै लए गए है, वह भी खुशी की गल है। तो मतलब कि चलो वधिया टाइम है ये, बाबा जी आपके जन्मदिन वाले दिन बड़िया खुशियां लैके आए अपनी कौम के लिए। सो सही है जी, वीडियो वधिया सी, मज़ा आया, तुहानू कितना लगा नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो, तो मिलता फिर मैं तुहानू किसी होर वीडियो, तद तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल, ते चक्की रखो, इदां ही कम।